नहीं होता। इंडियन न्यूज से महेंद्र माही, दिल्ली। वहीं दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कनॉट प्लेस और पालिका बाजार समेत तमाम प्रमुख बाजारों में आने वाले त्योहारों के चलते खरीदारी करने वाले लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ऐसे में बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है और बाजारों में गश्त भी बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर भी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। त्योहारों का सीजन है और त्योहारों में बाजारों की चाक चौबंद बढ़ जाती है, लेकिन चाक चौबंद के साथ जरूरी है इन बाजारों की और बाजार में आने वाले लोगों की सुरक्षा। रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल में जिस प्रकार से धमाका हुआ है, उसके बाद से दिल्ली पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर आ गई है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद है, जो एक वीवीआईपी के साथ साथ पॉश इलाका भी है, और यहां पर पुलिस किस प्रकार से जांच कर रही है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई है, सीपी के इनर सर्कल में इस वक्त हम मौजूद है। यहां पर पुलिस की संख्या आप देख पाएंगे कि आम दिनों के मुकाबले में बढ़ा दी गई है। पुलिस वाले यहां पर मौजूद है, बैरिकेडिंग पर लगाई गई है और इस बैरिकेडिंग के जरिए यह इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी वाहन यहां से निकले वो धीमी गति से निकले, ताकि जो पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है वो वाहनों को एक बार चेक कर सके। वाहनों को यहां पर रुकवाया नहीं जा रहा है क्योंकि इससे ट्रैफिक बाधित हो सकता है और इस समय दिल्ली में बिल्कुल भी ट्रैफिक बाधित करने का रिस्क कोई भी नहीं ले सकता। दिल्ली को इस वक्त हाई अलर्ट पे डाला गया है, पुलिस हाई अलर्ट पे है, सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पे है, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है, गाड़ियों की जांच की जा रही है। जो लोग बाजार में आ रहे हैं उनसे भी यह अपील जा रही है कि अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है तो उसके बारे में आप पुलिस को सूचित करें, पुलिस की आप आंख बने, पुलिस के आप कान बने। लगातार ऐसी अनाउंसमेंट दिल्ली के अलग अलग मार्केट्स में की जा रही है। मेरी बाई ओर ये दिल्ली का पालिका बाजार है, जो एक वर्ल्ड फेमस मार्केट है, और ऐसे में यहां पर भी देख पाएंगे कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस के द्वारा यहां पर जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है, ताकि यहां पर आने वाले लोगों को भी महफूज रखा जा सके और जो लोग यहां पर रेडी पटरी लगाकर सामान बेच रहे हैं उनकी भी सुरक्षा का यहां पर पुख्ता इंतजाम किया जा सके। देखिए यहाँ पर जो चीजें हैं सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरीके से पुख्ता कर दी गई है, और यहाँ पर सिर्फ कनॉट प्लेस में ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग मार्केट में, फिर चाहे वो लाजपत नगर हो, पहाड़गंज हो, दरिया सदर बाजार हो, जहां पर हमने देखा था कि एक भगदड़ की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, सरोजिनी नगर हो, तमाम मार्केट्स में पुलिस के द्वारा गश्त बढ़ा दिए गए हैं, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, ताकि दिल्ली वालों की सुरक्षा की जा सके। और रोहिणी में जिस प्रकार से एक धमाका हुआ है उसकी जो जांच चल रही है, उस वैसा ही उसी तर्ज पे कोई और धमाका या कोई और हादसा दिल्ली में ना हो। ब्यूरो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।